जिस शादी में कुछ नहीं होता वो शादी शादी नहीं होती है रक्षित। तू भी तो लवण्या से शादी करना चाहता था ना, है ना? हाँ मॉम, पर आप शायद भूल रही हैं, ये नहीं चाहती थी। हमारी शादी से ये भाग गई थी। हाँ वो गलती थी इसकी, और उस गलती के लिए ये बेचारी आज तक पछता रही है। क्या तुम नहीं पछता रहे? मेरा मतलब है, क्या तेरे और दृष्टि के बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता है? नहीं है। I know he is very sweet to her, पर वो कितना rudely behave करती है इसके साथ। Rudely नहीं, weirdly। कभी सही जवाब नहीं देती। बड़ी अजीब सी लड़की है। कभी शादी को निभाने की कोशिश नहीं की। ना तुझसे, ना मुझसे, ना इस परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की उसने। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मॉम और आप? क्या? मॉम क्या? हम सब ने दृष्टि को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमारी कभी अपनी बनी नहीं पाई रक्षित। ना उसने इस परिवार को, ना मुझे, ना तुझे, ना किसी को अपनाने की कोशिश की। और ये सब देखते हुए एक माँ होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुझे लवण्या से शादी कर लेनी चाहिए। यार रक्षित प्लीज, मैंने जो मिस्टेक की है मैं उसे करेक्ट करना चाहती हूँ। आई स्वेयर रक्षित प्लीज लेट्स गेट मैरिड। प्लीज लवण्या, ना सनी को मेरी फिकर है, ना दृष्टि को तुम्हारी फिकर है। प्लीज लेट्स गेट मैरिड रक्षित। क्या गलत है इसमें? एक माँ जो अपने बेटे की खुशी चाहती है कभी गलत नहीं हो सकती। दृष्टि तेरे लिए सही नहीं है। देख बेटा, सिमरन की शादी होने वाली है, उसी दिन तुम दोनों भी शादी कर लो। रक्षित, we are made for each other। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, उतना कोई नहीं कर सकता। रक्षित, please let's get married। रक्षित, please। This beauty, इतना ये रक्षित सबके साथ इतनी आसानी से? दी क्या करेगी? क्या बोलेगी उसे? मारेगी? चलाएगी उसपे? हाँ मारूंगी। ये ऐसे कैसे बोल सकती है? दी जमाई मैं पूछेगी कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, क्या बोलेगी, या किसी को कुछ बता पाएगी क्या तू? नहीं ना, तू शांत हो जा, हम इस मैटर से बाद में निपट लेंगे, ओके? तू प्लीज शांत हो जा। देख बेटा, अगर तुझे ये बात समझ में आ रही है ना, तो तू इसके बारे में अच्छे से सोच, डिसीशन ले और शादी की एक डेट फिक्स कर ले बेटा। पता नहीं लाइफ में चल क्या रहा है रोमी, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिनता जा रहा है मुझसे। पहले मेरी बहन छूट गई, अब मेरा पति। दी सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? दो दिन? No, wait, सिर्फ एक बूंद खून उस पिए का। अच्छा, उस पिए को मारने वाले प्लान के लिए? उस पिए को मारने से पहले हवन करना है, उसे खून की आहुति देनी है। सीक्रेट है स्वीटहार्ट, एक बहुत ही हॉरिबल राज। जब पर्दा उठेगा सब दिख जाएगा, सब सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है यहाँ किसी की परछाई है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। Yes, coming. तो तुम नौकर रही थी?
मुझे लगा कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा भी रूम है तो तुम क्यों नॉक करोगी? और किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें नॉक करने के लिए बोले? मिसेस शेरगिल, कान तो ठीक है ना तुम्हारे? या वहां भी कोई बीमारी है? मुझे कोई बीमारी हो या ना हो, मैं जीऊं या मरूं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ओ, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें कुछ हो तो मुझे फर्क पड़े? एनीवेज, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब फिर से कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हुआ ना, बहुत कुछ हुआ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटीज, ये दिखावा, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दिल में कुछ है ही नहीं तो दिखावा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम अपसेट हो, इसलिए मैं तो बस तुम्हें। हाँ, तो मैंने तो बस पूछने के लिए पूछ लिया, वरना मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सही कहा ना मैंने? अब हम ओरिजिनल वाले, जेन्युइन वाले हस्बैंड वाइफ तो है ही नहीं। हम फ्रेंड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही कहा, कुछ भी नहीं है हमारे बीच। बोलिए कब चाहिए? क्या कब चाहिए? देखिए, सिमरन की शादी को मुश्किल से एक महीना बचा है, तो हम दोनों के बीच भी हो ही जाना चाहिए। मिसेस शेरगिल, बातें गोल गोल मत घुमाओ। हमारे बीच नहीं है, हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डिवोर्स। तो बोलिए कब चाहिए आपको मुझसे डिवोर्स, और किस बेसिस पे डिवोर्स फाइल करना चाहेंगे? पति पत्नी की पट्टी नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट, इसी बेसिस पे आप मुझसे डिवोर्स ले लीजिए। मिसेस शेरगिल, तुम्हें क्या? ओ प्लीज रक्षित सर, अब ब्रांड न्यू एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। डिवोर्स, ताकि आप उस चिपको लावण्या के साथ शादी कर सके। डोंट वरी, मैं आपको टेंशन नहीं दूंगी, एलिमनी भी नहीं लूंगी। इजीली आपको छोड़ के चली जाऊंगी, आपको डिवोर्स दे दूंगी। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे आपके सारे प्लान्स पता है। सुना मैंने महिमा मैम ने क्या कहा? इसे छोड़ दो, उससे शादी कर लो, शादी की डेट फिक्स कर लो। कीजिए ना, आप अपनी शादी की डेट फिक्स कीजिए, मैं हमारे डिवोर्स की डेट फिक्स करती हूँ। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आपको छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप आजाद रहेंगे, फ्री बर्ड लाइफ में खुश रहेंगे। मिसेस शेरगिल, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं? लगता है, दिखता है, इस सपाट चेहरे पर सब कुछ दिखता है। मिस्टर शेरगिल, आपके चेहरे पर मेरे लिए नफरत के अलावा और कोई भाव नहीं दिखता है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर शेरगिल। तो तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ और क्या करूंगा? आप कुछ करते ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। वो लावण्या जब देखो जब आपके गले पड़ी रहती है, आपसे चिपकती रहती है, लेकिन आप उसको दूर करने की एक कोशिश तक नहीं करते हैं। लटकती हो तो लटको, शौक से लटको। मेरी तो तुमसे शादी होने वाली थी, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, राइट? यानी हाँ, निकल गया ना आपके मुँह से हाँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं चाहते। तो तुम इतने अच्छे से जानने लग गई हो मुझे कि तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हाँ, सब जानने लग गई हो। सब जान लिया। गलत जाना मिसेस शेरगिल। नहीं, मैंने अब मिसेस शेरगिल, तुम्हें सच में बता दूं मुझे क्या चाहिए? बता दूं? आज तो बता ही दीजिए। सच में बता दूं? अभी बताइए। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। बताऊँ और क्या चाहिए? मेरे साथ है साथ में तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। है ये नशा
रास्ता आ जा उसे आज अंजाम दे जी, मैं बहुत उदास हूँ। रक्षित ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है, पर मैंने भी गिव अप नहीं किया। आई नो कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, लेकिन उसने मना कर दिया ना। हाँ ताई जी, वो तो इसलिए क्योंकि वो कितना स्वीट है, कितना नाइस है रक्षित। आप तो जानती है ना कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, और शायद इसीलिए उस पीए से शादी ब्रेक करने के लिए उसे गिल्टी फील हो रहा होगा। पर हम सब तो जानते हैं ना ताई जी कि वो उस पीए के साथ खुश नहीं है। ताईजी, आपको पता है मुझे सनी का फोन आया। I was shocked. I was so shocked. उसे मुझे कहा कि मैं उसकी वेट करूं या फिर आगे मूव ऑन हो जाऊं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। In fact, उसने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भी भेज दिए हैं। क्या? I'm so sorry. ताईजी, I'm so sorry. ताईजी, ताईजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक बार मुझे मम्मी जी बोलने का मौका दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रक्षित को बहुत खुश रखूंगी, कभी उसको हर्ट नहीं करूंगी। प्लीज ताई जी। हाँ मम्मी जी, आइए, आप भी आ जाइए। मम्मी जी, आपको पता है सनी ने क्या किया? मैंने मुझे सनी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैं उससे तभी बात करूंगी जब वो मुझसे बात करेगा। भाभी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि सिमी की शादी के बारे में जितनी भी बातें थी सब तय हो गई हैं, बस उन्हें जल्द से जल्द हमसे मिलना है। तो आप बताइए कब मिल सकते हैं। ताईजी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। ताईजी, आपने कहा था ना कि सिमरन और अगम की शादी हो रही है, तुम दोनों भी शादी कर लो। आई मीन मैं और रक्षित, है ना? किस, तुम्हें ने तो कहा जो चाहिए वो मांग लो। मैंने कुछ नहीं कहा, जो किया आपने अपने मन अपनी मर्जी से किया। आज किया तो किया, दोबारा ऐसा नहीं करना, और मुझसे पूछे बिना तो बिल्कुल नहीं करना। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मिस्टर शेगल। नहीं, मैं दिल को ऐसी कोई चाह जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जिसके भी करीब जाऊंगी या जो भी मेरे करीब आएगा, दिव्याज ने उसे छोड़ेगी नहीं। सॉरी मिस्टर शेगल, मैंने आपको ऐसे धक्का दिया, पर अब मुझे आपको ऐसे ही रोकना होगा, ऐसे ही दूर रखना होगा।